अस्सलाम वालेकुम आई यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो मेरे चैनल पे न्यू होते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और उसके बाद सुबह का काम मैंने आज जल्दी कर लिया था। और सबसे पहले आपको जुमातुल मुबारक, सब बहन भाइयों को, सब यूट्यूब फैमिली को जुमातुल मुबारक। तो आज का काम जो था मैंने सुबह सुबह कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया। बुखार की वजह से मेरी जो हालत थी ना वो बहुत ख़राब थी, तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया। फ्रेश करके तो फिर पानी भरने के लिए गई हूँ। टूटी का पानी आता है चश्मे का, हमारे घर नहीं, किसी के घर पानी आता है। फिर मैं दो एक कूलर और बोतल लेके गई हूँ, वहाँ से मैं पानी भर के तो उन्हीं के घर पे रख आई हूँ। मैंने कहा आके ले जाएंगे लेकिन मुझसे नहीं उठाया जाएगा, तो इस वजह से फिर मैं उधर ही रख के आ गई। तो मैंने कहा जब आएंगे हस्बैंड तो ले आएंगे। तो अभी जो है हमारा जुम्मे की जो रूटीन होती है ना वो होती है कि हमारा खाना जो है वो भी टाइम से बनता है, और टाइम से बना के फिर इन्होंने जाना होता है जुमा पढ़ने, तो फिर मैंने भी नमाज़ घर में पढ़नी होती है। इस वजह से फिर आज मैं कपड़े जो है ना मुझसे सिलाई नहीं होते जुमे वाले दिन, ये तो पक्की बात है कि मुझसे जुमे वाले दिन कपड़े सिलाई नहीं होते। तो आज ये ब्लैक दो सलवारें थी, छोटी बच्चियों की थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं कर दूँ लेकिन मशीन की तरफ जाने को दिल ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से फिर ये पड़ी हुई हैं। देखती हूँ अगर सिलाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करें, कुछ भी नहीं करना, जुमे की तैयारी करेंगे। और उनको चाहिए भी जुमे के बाद देखूंगी सिलाई करूंगी, तो जुमे के बाद फिर थोड़ा सा बंदा इजी हो जाता है खा पी के जुमा पढ़ के। तो जैसे ही हम फ्री होते हैं ना तो फिर कुछ भी काम नहीं होता, तो फिर मैं बैठ के ये दो सलवारें सिलाई कर लूँगी। उसके बाद फिर हम जो है ना आज मैं और कुछ नहीं सिलाई करूँगी। सिलाई करूँगी तो दो सूट, तकरीबन दो बड़े सूट और दो छोटे सूट जो है ना वो अभी सिलाई करने वाले पड़े हुए हैं। तो बीमार होने की वजह से जो है ना कपड़े जमा हो गए थे, फिर मैं नहीं सिलाई कर सकी थी, तो इस वजह से फिर ना मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा रश हो गया था। तो आज की वीडियो जो है ना बस जुमातुल मुबारक कहने के लिए मैंने थोड़ी सी बनाई है। मैंने कहा जुमा मुबारक जो होता है ना ये भी एक गरीबों की छोटी ईद होती है, ये भी एक ईद होती है अगर समझा जाए तो। तो नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं। तो आप भी जुमे की तैयारी करें, और फिर मैं जो हूँ मैं कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ और कुछ काम तो करना नहीं है मैंने देखते हैं कि आज मैंने कौन कौन से काम करने हैं। काम करने को कसम से दिल ही नहीं कर रहा आज सुबह से। ये तो मैंने आजमाया हुआ है कि जुमे वाले दिन तो पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता, कि कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि जुमे वाले दिन कारोबार जो है ना वो बंद कर दो, अल्लाह की ज़ात देने वाली है, और अपने जुमे की तैयारी करो, जुमा पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, सूरह जुमा पढ़ो, तो इस वजह से कि घर में बरकत आए। तो आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। तो आज मैं फ्री हूँ, आज मैं फ्री हूँ, क्या करूँ, आज कोई काम नहीं है फिर मैंने जो है ना वो एक गिलास जो है ना अपने लिए मैंने जूस बना के पिया। एक गिलास बनाना था तो दो गिलास बन गए, मैं दोनों के दोनों ही पी गई। आज मैंने कितने दो गिलास पिए हैं जूस के, हालांकि डेली का एक गिलास पीती हूँ, आज मैंने दो गिलास पिए हैं कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना ठीक हो जाऊँ। तो मैं तो परेशान हो गई थी, पता नहीं मैंने ठीक ही नहीं होना, बहुत हालत मेरी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर रहम किया है। अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर इतना रहम किया है ना कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए
ओके, अल्लाह हाफिज, गुड गुड बाय।